बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में गंगा पार रेत पर टेंट सिटी का काम तेजी से जारी है। पीएम मोदी की कल्पनाओं के अनुरूप गंगा किनारे रेत में तैयार हो रही इस टेंट सिटी में लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन सरकार की ओर से बनाई इस खास सिटी में शराब और तामसिक भोजन नहीं परोसा जाएगा। वही प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि टेंट सिटी में रिवर कॉटेज के साथ रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, योग सेंटर, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट बाजार समेत कई अन्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा यहां पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स, कैमल और हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकेंगे। इस टेंट सिटी में कई तरह के टेंट लगाए जाएंगे और सुविधाओं के हिसाब से किराया होगा। बताया जा रहा है कि 4,500 से लेकर 20,000 तक का किराया इसे तैयार करने वाली फर्म पर्यटकों से वसूलेगी। इन टेंट के अंदर लगभग सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। टेंट सिटी तैयार हो रही है काशी में, और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज मिलेगी और कब तक ये तैयार हो जाएगा? देखिए, टेंट सिटी का RFP VDA द्वारा मई जून में फ्लोट किया गया था, जिसके लिए दो वेंडर्स हमने फाइनलाइज भी कर लिए हैं। इसमें टोटल 3 प्लॉट हैं जिसमें 100 से 200 टेंट की क्षमता है। टोटल इसमें 3 प्लॉट्स हैं हमारे पास, तो 300 से 600 टेंट्स की क्षमता रहेगी, जिसको प्राइवेट वेंडर्स ही संचालित करेंगे। इसमें VDA द्वारा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और सीवरेज, इन तीनों के कनेक्शंस वेंडर्स को दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा सेटअप है और संचालन वो प्राइवेट वेंडर्स द्वारा PPP मोड में किया जा रहा है। जितने हमारे वेंडर से बात हुई है, तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में ये शुरू हो जाएगा। इसमें इस साल बहुत डिले हुआ है क्योंकि गंगा जी का स्तर इस बार अनयूजुअली बहुत हाई था, लेकिन अब पानी का स्तर नीचे आ चुका है और पूरा काम फुल फ्लो में चल रहा है। सर, अगर बात की जाए तो कितनी लागत से टेंट सिटी बनाई जा रही है? इसमें जितना मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें VDA ने जो इन्वेस्ट किया है वो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए है। प्राइवेट वेंडर्स जितना खर्चा कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो अपने टेंट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करनी या नहीं करनी है वो भी उनके ऊपर निर्भर है। सर, बुकिंग की बात करें तो कब से बुकिंग शुरुआत होनी है? कोई वेबसाइट वगैरह भी लॉन्च किया गया है क्या निजी कंपनी की ओर से? जो निजी कंपनियां हैं उनका ही ये दायित्व है कि वो किस तरह से किस किस प्लेटफॉर्म पे और कब से बुकिंग कराना शुरू करना चाहते हैं और किस रेट पर करना चाहते हैं। इसमें VDA का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि जितना हमें पता है, वेबसाइट शायद लॉन्च की गई है निजी कंपनियों द्वारा, और शायद वो थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं उनको भी वो लोग एंगेज करेंगे, लेकिन जो भी इसमें कार्रवाई की जानी है वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से की जानी है। सर, अगर बात की जाए तो कुछ उसमें टेंट सिटी में कुछ द्वारा अगर काशी की झलक भी दिखी है क्या? ये मैंने जैसे आपको वापस बताया, PPP मोड पर है ये, जिसमें VDA द्वारा लैंड और बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। उसमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ की जाएंगी, कब से की जाएंगी, ये सभी चीज़ें प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंड करती हैं। दरअसल अधिकारियों के अनुसार 12 जनवरी 2023 तक इस टेंट सिटी को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ अंतिम चरण का काम चल रहा है। बहरहाल अब सभी को इंतजार है। पंजाब केसरी TV के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।